principle, fundamental principle of counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? ये जैसे हम ये कहते हैं कि कोई दो नंबर है, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं ना, तो वो जो एडिशन है वो कितनी बार हो रहा है इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कि ऐसे लिखा हुआ है 2+2, तो 2+2 का मतलब क्या है कि दो में दो को ऐड किया जा रहा है, तो कितनी बार एडिशन हो रहा है? दो बार एडिशन हो रहा है, तो मैं इसको 2×2 लिख दूंगा, 4, ऐसे 2+2+2, तो 2×3 6 ये हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का कि अगर आपको काउंटिंग करनी है ना किसी एक नंबर को, अगर किसी एक नंबर को कोई बोले कि आप 3 बार काउंट कर लीजिए, तो आप उस एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई बोले कि उस एक नंबर को आप 5 बार ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब उस एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ही सीधा समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। आप आ जाइए पेज नंबर 204 पर। ये वाला जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन कम समझना ज़्यादा है, समझ में आ गया तो फिर चैप्टर आसान है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करता हूँ, ये पेज नंबर 204 सर आपकी ब्लर हो रही है। क्या हो गया? ब्लर हो रही है, विजिबल नहीं है ढंग से स्क्रीन। इसे वेबकैम भी साफ कर लो। हाँ ब्लर है सर, वेबकैम तो साफ कर लो वो। अच्छा, ये तो इससे तो शायद कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं भी इधर कनेक्ट करके देखता हूँ ना, तो देख लो एक, क्योंकि मैंने आज करा है इसको शाम को साफ ना। कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत फर्क? सर अभी भी वैसे ही है, वो नेटवर्क की वजह से है, वो नेटवर्क की वजह से, क्योंकि ये मैं डेली ही क्लासेस से पहले इसको करता हूँ मैं साफ। चलिए थोड़ी देर में हो जाएगा वैसे ठीक। देखिएगा अब मैं एग्जांपल नंबर 1 करूंगा पेज नंबर 204 पर। पेज नंबर 204 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर आइदर बाय कार और बाय बस और बाय ट्रेन और बाय एयर। तो 4 ऑप्शंस दे दिए इन्होंने, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट। तो आइदर बाय कार और बस। स्कूल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है क्या? स्कूल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हारे में स्कूल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़कर बताओ जरा। A school library has 39.7 books available on financial, mathematics, history, Indian and foreign authors. अच्छा, कितने चार बुक के बताओ, कितने क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, एग्जांपल्स कितने हैं? सर टोटल हैं 10, सॉरी 11, 11 एग्जांपल्स। 11 एग्जांपल्स हैं, और जो मेरी बुक है बुक में एग्जांपल दे रखे हैं 14, और स्कूल लाइब्रेरी वाला तो एग्जांपल ही नहीं। सेकंड बताना, सेकंड कौन सा है? सेकंड है सर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटीज वर बी। ये भी नहीं है। अगला बताओ, अगला क्या है? थर्ड है हमारा दिल्ली टू जयपुर वाला। अच्छा, फोर्थ क्या है फिर? थर्ड एग्जांपल है सर दिल्ली टू जयपुर वाला। ठीक है, फोर्थ वाला दिल्ली टू जयपुर इधर में कार और ठीक 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 फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ एग्जांपल फोर्थ अली
ठीक है, मेरा भी यही है। एग्जाम्पल टू बताओ, एग्जाम्पल टू अगला जो है, अगला फिफ्थ। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर फाइव बताओ, एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल फाइव। ठीक है, तो आगे के इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना दो क्वेश्चंस नए इंक्लूड करे हैं। वो दो क्वेश्चंस की तो आप मेरे को फोटो भेज दो, और ये समझ लो कि मैं आपके एग्जांपल नंबर थ्री से स्टार्ट करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर थ्री देखिएगा, आपका जो एग्जांपल थ्री है, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर आइदर बाई कार और बाई बस और बाई ट्रेन और बाई एयर। तो चार मीन्स इन्होंने दे दिए कि चार मीन्स क्या क्या हैं, कार, बस, ट्रेन, एयर। कार, बस, ट्रेन और एयर, कार, बस, ट्रेन और एयर। तो ये चार मीन्स इन्होंने दे दिए हैं। अब वो बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लान योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड बैक टू दिल्ली। तो आप कितने वेज में अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, तो कितने वेज में जर्नी प्लान करी जा सकती है वो देखना है। कि हम जो है नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर कितने वेज हैं, चार वेज हैं। चार वेज में हम दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो चार वेज हैं, हम जा सकते हैं कार से, बस से, ट्रेन से या फिर एयर से, हम दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं। अब रिटर्न के वेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिटर्न, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन रिटर्न, ये कितने हो गए, चार वेज हो गए। तो पता है किस तरीके से करा जा सकता है, ऐसा करा जा सकता है कि कार से गए, कार से गए और बस से वापस आए। एरो का मतलब ये, कार से एरो निकल रहा है, इसका मतलब कार से गए और बस से वापस आए, एक कॉम्बिनेशन ये। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि कार से गए और ट्रेन से वापस आए, ट्रेन से वापस आए। फिर अगला क्या हो सकता है कि कार से गए और एयर से वापस आए, और अगला क्या हो सकता है कि कार से गए और कार से ही वापस आ गए। इसका मतलब क्या है कि कार के साथ कितने कितने वेज बन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार। इसी तरह से बस के साथ भी चार वेज, इसी तरह से ट्रेन के साथ भी चार वेज, इसी तरह से एयर के साथ भी चार वेज। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हर एक के साथ चार चार वेज बन रहा है, इसका मतलब फोर इज गेटिंग एडेड फोर टाइम्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, समझ गए मेरी बात की नहीं, फोर इंटू फोर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि भाई हम गए कार से, वापस बस से आए, वापस ट्रेन से आए, वापस एयर से आए, वापस कार से आए। तो चार रास्ते ये हो गए, चार वेज ये हो गए। अगले चार क्या हुआ कि हम गए बस से, वापस कार से आ गए, वापस भी बस से आ गए, वापस ट्रेन से आ गए, वापस एयर से आ गए, तो और चार मिल गए। ऐसे ही हम गए ट्रेन से और वापस कार से आए, बस से आए, ट्रेन से आए, एयर से आए, फिर चार मिल गए। और ऐसे ही अगर हम गए एयर से, वापस कार से आए, बस से आए, ट्रेन से आए, एयर से आए, तो चार मिल गए। तो हमारे पास टोटल चार वेज हैं, एक के अगर हम कार से जाते हैं तो उसके भी चार वेज, एयर से बस से जाते हैं तो उसके भी चार वेज। फिर हमने चार को अगर चार बार ऐड करा तो फोर को फोर से मल्टीप्लाई कर दो ना, सीधा सीधा 16 आ गया। ठीक है, समझ गए भाई दोनों बच्चे, बताइए। ठीक है, और अब क्लियर है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, सपोज यू लाइक वैरायटी and you don't want to return by the same mode of transport, how many different ways are possible? ठीक है, आपको variety पसंद है,
आप जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं उससे वापस नहीं आना चाहते, तो इसका मतलब क्या है? हमारे बुक में थोड़ा डिफरेंट है। क्या है बताओ? ठीक है, तो आपकी बुक में जो नहीं, सॉरी सर, सही है, मैंने आंसर कर दिया, सॉरी। अच्छा, ओके। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे कि हमारे पास जाने का जो रास्ता है, जाने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है, चार ऑप्शंस, लेकिन वापस आने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आ गई? अब सीधा सीधा लिखिए, ये अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि हम एक एक केस को ऐसे एक्सपैंड कर करके बता रहे हैं, ये आपको वन वर्ड में सीधा आंसर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या है कि जाने के लिए मेरे पास चार वेज हैं और वापस आने के लिए मेरे पास सिर्फ तीन ही वेज बचते हैं, क्योंकि मैं जिस मोड से जाता हूँ मुझे उस मोड से वापस आना पसंद नहीं है, मुझे वैरायटी पसंद है। तो मैं अगर कार से जा रहा हूँ तो फिर मैं कार के अलावा किसी भी मोड से वापस आ जाऊँगा, कार से वापस नहीं आऊँगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 4 × 3, 12। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर फोर में फर्स्ट पर दो पार्ट दे रखे हैं। अ लेडी वॉन्ट्स टू सेलेक्ट वन कॉटन साड़ी एंड वन पॉलिस्टर साड़ी फ्रॉम अ टेक्सटाइल शॉप। इफ देयर आर 10 कॉटन वैराइटीज एंड 12 पॉलिस्टर वैराइटीज, इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज द टू साड़ीज। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू साड़ीज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू साड़ीज, वो कैसे सेलेक्ट कर सकती है, दो साड़ियों को कैसे सेलेक्ट कर सकती है। उन्होंने बोला कि उसको ऑलरेडी वॉन्ट्स टू सेलेक्ट वन कॉटन साड़ी एंड वन पॉलिस्टर साड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक कॉटन साड़ी चाहिए और एक पॉलिस्टर साड़ी चाहिए। अब जो कॉटन साड़ी है, कॉटन की भी 10 अलग अलग वैरायटी है, तो अब उसके पास वेज कितने हैं कॉटन साड़ी के लिए, 10 वेज ऑफ कॉटन साड़ी। यहाँ पर लिख दो कॉटन, मतलब 10 में से कोई भी एक चुन सकती है। इसी तरीके से जो उसको पॉलिस्टर साड़ी चाहिए तो वो 12 में से कोई भी, तो 10 × 12 कितना हो गया, 120। बोलिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, और अब समझ रहे हैं? हाँ सर, सुने तो एक बार इंटर को अटक गया आपके बाद। क्या बताऊँ मैं, तो मेरे यहाँ अच्छा हो रहा है स्ट्रेंथ। सेकंड पार्ट में देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू साड़ीज, ये तो हो गया 120। उसके बाद सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में वो बोल रहे हैं कि इफ इन अबव केस द लेडी हैज लिमिटेड बजट, इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज वन साड़ी। तो उसके पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड बजट का मतलब क्या है कि उसको कोई एक साड़ी सेलेक्ट करनी है, बस एक साड़ी सेलेक्ट करनी है। तो वो एक साड़ी सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर उसको दो साड़ी सेलेक्ट करनी है। जब दो करनी है तो इसका मतलब एक कॉटन भी करनी है और एक पॉलिस्टर भी करनी है। तो कॉटन की कितनी साड़ी है जो अवेलेबल है उसके पास चॉइसेस, वो 10 है, ठीक है, और 12 है पॉलिस्टर की जो चॉइसेस हैं। तो 12 उसके पास पॉलिस्टर की चॉइसेस हैं, तो दोनों ही करनी है। तो जब आपको कोई भी दो काम होते हैं वो करने ही करने होते हैं, या दो काम है या तीन काम है या 10 काम है, अगर वो 10 के 10 काम करने ही हैं तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, जैसा कि सेट थ्योरी में करा था ना कि जहाँ पर भी एंड आएगा उसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जहाँ पर भी एंड आता है वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जहाँ पर भी और आ जाता है कि आइदर दिस और दिस, तो मैं कहूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये कर सकता हूँ, तो वहाँ एडिशन करना होता है। सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा ही है, सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक साड़ी सेलेक्ट कर सकती है।
अब वो एक साड़ी या तो कॉटन की कर ले या फिर वो पॉलिस्टर की कर ले, तो कोई भी कर सकती है। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन साड़ी, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन साड़ी इज इक्वल टू आइदर अ कॉटन साड़ी और अ पॉलिस्टर साड़ी। कॉटन साड़ी के कितने चॉइसेस हैं उसके पास? 10 चॉइस है, 10 में से कोई भी एक कर सकती है। और का मतलब आ गया तो बीच में प्लस आ गया। पॉलिस्टर कितने चॉइसेस हैं? 12। तो 10 प्लस 12 टोटल हो गए 22 वेज हो गए। 22 तरीके हैं, 22 वेज हैं जिसमें वो कोई एक साड़ी सेलेक्ट कर सकती है। तो याद रहे जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पर आपको ऐड करना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझकर आपको डिसाइड करना है कि कहाँ और लगेगा और कहाँ एंड लगेगा। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक के हिसाब से। एग्जांपल नंबर 5 में है 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seats. In how many ways can they seat themselves? तो कितनी वैकेंट सीट्स हैं? 5 वैकेंट सीट्स हैं और 3 लोगों को बैठना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन ऑक्यूपाई 5 सीट्स, तो 5 सीट्स हैं, 3 लोग उनको किस तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे? तो हम ये कहेंगे पहली सीट, दूसरी सीट वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स, ठीक है। तो 3 लोग हैं और 5 सीटें हैं, ठीक है। तो ये जो पहला आदमी है, इस पहले आदमी के पास कितने ऑप्शंस हैं, वो कहाँ बैठ सकता है? ये जो पहला 3 लोग हैं, तो ये जो 3 लोग हैं इनके पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास अगर ये पहले एंटर करता है तो इसको पूरी की पूरी 5 सीटें खाली दिखाई देंगी, वो 5 में से किसी पर भी जाकर बैठ सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5 ऑप्शंस। तो हमने लिख दिया ही कैन सिट ऑन एनी ऑफ द 5 सीट्स, किसी पर भी बैठ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो अगला आदमी आता है, अगले को क्या होगा कि ये जो एक पहला वाला जो बंदा है इसने क्या करा, इसने कोई एक सीट ऑक्यूपाई कर ली। अब अकेला बंदा ऐसा तो है नहीं कि 2 सीटों पर या 4 सीटों पर बैठ जाएगा, वो एक ही सीट चाहिए उसको। तो उसने सिलेक्शन कर लिया कि उसके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जो दूसरा बंदा आया तो उसके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल होंगे? उसके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये एक पर्सन जो पहले आया है इसने कोई 5 में से कोई एक सेलेक्ट करके उस पर बैठ गया। तो जो दूसरा पर्सन आया उसको ऑप्शंस कितने मिले? 4 ऑप्शंस मिले। फिर पहले पर्सन ने एक सीट ले ली, दूसरे पर्सन ने एक सीट ले ली, अब टोटल 5 में से कितनी सीट्स बची? 3 सीट्स बची। तो जो तीसरा पर्सन आया है उसको वो 3 सीट में से कोई भी एक सेलेक्ट करनी होगी, तो उसके पास 3 ऑप्शंस बचे, ठीक है। तो अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर पहला पर्सन जो है वो पहली सीट पर बैठ गया फिर बाकी के सारे कॉम्बिनेशन, अब पहले पर्सन को दूसरी सीट पर बैठा दो फिर बाकी के सारे कॉम्बिनेशन, फिर पहले पर्सन को तीसरी सीट पर बैठा दो तो फिर सारे कॉम्बिनेशन। तो हम ये देखते हैं कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सारे ऑप्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम ये कहेंगे पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शंस थे? 5 ऑप्शंस। दूसरे वाले पर्सन के पास केवल 4 ऑप्शंस बचे थे क्योंकि एक सीट पर पहला पर्सन बैठ चुका था, तो 4। और तीसरे वाले पर्सन के पास में केवल 3 सीट्स बची थी, तो वो उन 3 में से ही आप मतलब जो है वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20, 20 = 60 वेज। इन क्वेश्चंस को, इनके जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा नंबर के नहीं आते, मतलब अगर मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये 2 ही नंबर का आएगा क्वेश्चन।
और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपसे डिमांड नहीं करी जाती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती कि बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। हाँ, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं जैसे आप बता रहे हो, तो वाइवा में आपसे क्वेश्चंस बनाकर वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 5 था ये, 60 हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो जरा देखना, ये है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। Example 6. How many letters can be formed from the letters of the word magic, taking all the letters at a time and no letter being repeated? No letter being repeated. तो हम ये कहेंगे letters available are, कौन कौन से letters हैं हमारे पास, M A G I C. तो number of ways या नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई दीज लेटर्स इज इक्वल टू, आप ये देखिएगा उन्होंने बोला कि कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होगा, तो कितना इन्होंने बोला हाउ मेनी वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम। तो सारे ही लेटर्स को लेना है, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 लेटर्स अवेलेबल हैं और इनकी हेल्प से मुझे कोई 2 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना हो या 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड बनाना हो, ऐसा नहीं है। 5 के 5 अल्फ़ाबेट को ही मुझे सबको यूज़ कर डालना है। तो 5 अल्फ़ाबेट्स का जब मैं वर्ड बनाऊंगा विद और विदाउट मीनिंग, उनका कोई मीनिंग हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। मैं करूँगा मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 places पर मेरे को लेटर्स को रखना पड़ेगा। तो मेरे पास पहले प्लेस पर रखने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं 5। और इन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है विद नो लेटर बीइंग रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए कि एम अगर एक बार आ गया तो एम दोबारा नहीं आया। तो पहली प्लेस पर मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब दूसरे प्लेस पर मेरे पास 1 लेटर तो यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने, अब दूसरे पर मेरे पास कितने बचे, 5 में से 1 यूज़ कर लिया तो 4 बचे, तो 4 हो गया। अब तीसरे पर कितना बचा, 1 और 2 2 तो L letters यूज़ कर लिए, तो 5 में से कितने बचे, 3, तो तीसरे प्लेस पर 3 हो गए, ठीक है। अब 1 2 3 3 letter यूज़ कर लिए इसमें से, तो 2 बचे, चौथे प्लेस पर 2 बचे और फाइनली आखिरी प्लेस पर 1 बचा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 4 20 और 26 120, 26 120। 1 मिनट वेट करिए बेटा, जरा ये वाला समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा, चलिए जी, मैं आपको रुकने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि CBSE इस बार कुछ अलग ही मूड में है। आज अभी हम अक्टूबर में हैं और इन्होंने फाइनल डेट शीट इशू कर दी है, फाइनल डेट शीट इशू कर दी है, 15 फरवरी से ही एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोग 11th में हैं ना, आप समझ लेना आपके एग्ज़ाम्स ही जनवरी में करवा देंगे। और हाँ, वो करवा ही देंगे, फिनिश कर देंगे, क्योंकि 15 फरवरी की डेट शीट आ चुकी है। अभी अभी डेट शीट आई है, पहला एग्ज़ाम, मैं 12th का बताता हूँ, पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है, फिर 16 को म्यूज़िक, वोकल, कार्नेटिक म्यूज़िक, मेलोडी म्यूज़िक, कुछ नहीं, 16 को कुछ नहीं, 17 को कुछ नहीं,
18, 19, 26 फरवरी को फिर फिजिकल एजुकेशन, मतलब ये भी ऐसे ही है सब्जेक्ट, कुछ खास नहीं है, मतलब पहला ये इंग्लिश का करवा रहे हैं, फिर फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद मेन मेन सब्जेक्ट्स देखते हैं, बिजनेस स्टडीज़ ये एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट 24 फरवरी को, अकाउंटेंसी 28 फरवरी को, तो 25, 26, 27 अकाउंटेंसी के लिए छुट्टी कब मिलेगी। उसके बाद जो पीसीएम वाले बच्चे हैं इनके मज़े आ गए, इनका 15 फरवरी के बाद बीच में अगर किसी ने फिजिकल ले रखी है तो 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, सीधा 2 मार्च को केमिस्ट्री है, और 3 मार्च 4 मार्च इकोनॉमिक्स फ्रेंच, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है जो अकाउंट्स वाले, ये कॉमर्स वाले हैं, उनका 13 मार्च को लीजिए। अप्लाइड मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो है 21 मार्च को, कमाल है, बहुत छुट्टियां मिल गई। और फिर आ जाते हैं और जो तीन सब्जेक्ट बचता है, फिजिक्स का, फिजिक्स का है 2 अप्रैल को, वाह भी वाह, अच्छा मजाक चल रहा है, अप्रैल तक खींच रहे हैं एग्ज़ाम्स को, 9 अप्रैल तक जा रहे हैं एग्ज़ाम, पर शुरू 15 फरवरी से कर रहे हैं। गैप इन्होंने शायद इसी वजह से दिया है कि कहीं उस टाइम भी कोई कोविड की वेव ना आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं, पढ़ूंगा अभी पूरा, और ऑफिशियल डेट शीट है। चलिए जी, तो कुल मिलाकर भाई तैयार रहिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बस ये 3 महीने ही हैं, इसी में 11th निपटा देना है, और आप लोगों की शायद ये मार्च से भी पहले से फरवरी के लास्ट से ही कर देंगे, कुछ रूम्स वगैरह खाली करवा के ना स्कूल के क्लासेस करवा देंगे इंस्टॉल। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 की मेरा मतलब 7 आपके लिए देखना, यही है क्या ये, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड, यही है ठीक है, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाई 3 डिफरेंट डिजिट्स। अच्छा, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड If each plate contains 2 different letters followed by 3 different digits, ठीक है, तो आप ये देखेंगे जैसे ये तो ऑटोमोबाइल की लाइसेंस प्लेट्स की बात कर रहे हैं, आप नंबर प्लेट की भी अगर आप बात करें तो आप ये देखेंगे कि नंबर प्लेट में भी क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं और डिजिट्स भी यूज़ होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं वो सारे के सारे, मतलब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों यूज़ होते हैं, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो लाइसेंस प्लेट्स हैं वो लाइसेंस प्लेट्स इसमें इस तरह से बनाई जाएगी कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अल्फाबेट्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अल्फाबेट्स एंड फॉलोड बाय 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, तो 2 डिफरेंट लेटर्स तो हम ये कहेंगे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स अवेलेबल, कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास 26, और डिजिट्स अवेलेबल, डिजिट्स अवेलेबल ये कितनी होती हैं डिजिट्स हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 डिजिट्स होती हैं, बस इतना है, इन्होंने बोला है 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाई 3 डिफरेंट डिजिट्स। आप ये देखिएगा, अगर आप किसी गाड़ी का नंबर नोट करें तो अगर देखें तो उसमें 2 4 2 7 ये नंबर हो सकता है, तो उसमें 2 दो बार रिपीट हो रहा है, 2 4 2 7, ये किसी कार का अगर नंबर है, तो उन्होंने बोला 3 डिफरेंट लेटर्स एंड 3 डिफरेंट डिजिट्स, तो लेटर्स भी अलग अलग होनी चाहिए, डिजिट्स भी अलग होनी चाहिए, तो आप ये देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, सीधा ये लिख दीजिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज required number of ways 1 2 3 4 5, तो पहले 2 places पर तो भाई जो है वो letters ही आएंगे, तो कितने alphabets कितने letters available हमारे पास 26, तो पहले place पर उन 26 में से कोई एक आ गया यहाँ पर, तो दूसरे place पर कितने आएंगे 25, ये आ गया, तो पहले place पर 26,
में से कोई एक और दूसरे प्लेस पर 25, ठीक है, तो 26 × 25 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर आएंगे नंबर्स, तो पहले प्लेस पर 10 में से कोई एक, दूसरे प्लेस में 9 में से कोई एक और तीसरे प्लेस में 8 में से कोई एक, बताइए समझ गए कि नहीं? समझ गए भाई बताओ, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा 25 × 26 करिए, तो 25 × 26 हो जाएगा 650, ठीक है। अच्छा 25 × 6 = 150, 15 करी 25 × 2 = 15, 15 और 50 और 15 = 65, ये हो गया। 9 × 8 = 72, 72 और 10 कितना हो गया 720, 10 इधर है 10 इधर, 20 लगाओ 65 और 72 का मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 6 = 12 और 1 = 13, ठीक है, ये हो गया। 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 42 और 3 = 45, 0 + 5 = 8, 1 + 5 = 6, 4 + 6 = 8, 0 4 6 8 0 0 0 4 6 8 0 0 0 required number of ways, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा समझ में आ गया भाई, दोनों बच्चों को बताइए, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, देखना एग्जांपल नंबर 8 यही है ना, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, यही है फ्लैग वाला, ठीक है, तो फ्लैग वाला क्वेश्चन बताओ जरा कौन सा है, पढ़कर बताओ। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक ठीक ठीक, चलिए जी। तो अगला देखते हैं, मेरे भी एग्जांपल नंबर 9 दे रखा है, तो इसको 5 फ्लैग्स वाला करते हैं, एग्जांपल नंबर आपकी बुक में हो गया 8, एग्जांपल नंबर 8, तो गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होस्टिंग द फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल पोल वन बिलो द अदर इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, ठीक है। तो दो फ्लैग, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक फ्लैग लिया, अगर रेड कलर का फ्लैग लिया तो रेड कलर के फ्लैग का मतलब ये है रुक जाओ, ठीक। अच्छा अगर रेड के नीचे हमने ग्रीन कलर का फ्लैग लिया, रेड के नीचे ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया, मतलब हमने दो फ्लैग का यूज़ करके एक सिग्नल जनरेट करा, तो वो सिग्नल ये कहता है कि पहले आपने रेड फ्लैग को देखा, रेड फ्लैग का मतलब ये है रुको, रुक कर पहले ऑब्जर्व कर लो सारा, इधर उधर कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं है, और फिर ग्रीन का मतलब ये है कि फिर उसके बाद आप जाओ, रुको और फिर जाओ, ऐसे करना। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के फ्लैग्स को यूज़ करके अलग अलग सिग्नल्स जनरेट करे जा सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। और कितने इन्होंने वो दे रखे हैं फ्लैग्स, अलग अलग रंगों के 5 फ्लैग्स, तो 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल, ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि हमको सिग्नल जनरेट करना है, और सिग्नल जनरेट करते हैं बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, करके कितने सिग्नल जनरेट करे जा सकते हैं। मेरे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है और मुझे सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग चाहिए, तो मैं पहले प्लेस पर 5 में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ, और दूसरे प्लेस पर मैं 4 में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ, तो 5 × 4 कितना हो गया 20, समझ गए आपको, ठीक है। अगला देखिएगा सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, तो आपको सिग्नल जनरेट करना है बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। इस एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 फ्लैग यूज करने हैं,
कम से कम दो फ्लैग का मतलब ये है कि आप तीन भी यूज़ कर सकते हैं, चार भी यूज़ कर सकते हैं, और पांच के पांच भी यूज़ करे जा सकते हैं। तो ये है नंबर ऑफ सिग्नल्स, इस तरीके से या तो दो फ्लैग या तीन फ्लैग या चार फ्लैग या पांच फ्लैग, पांच से ज्यादा तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि पांच ही अवेलेबल है हमारे पास। देखिएगा क्या करना है, और जहां पर भी और आ जाता है, और का मतलब ये है कि आपको उनको सबको ऐड कर देना है। टू फ्लैग्स यूज करके, यानी कि पहले पोजीशन पर मेरे पास पांच फ्लैग अवेलेबल है, दूसरे पर चार, और का मतलब एडिशन। थ्री फ्लैग्स यूज करने हैं, तो थ्री फ्लैग्स का मतलब पहली पोजीशन पर पांच फ्लैग अवेलेबल है, दूसरे पर चार अवेलेबल है, और तीसरे पर तीन अवेलेबल है। फाइव इंटू फोर इंटू थ्री प्लस फिर फोर फ्लैग्स। फोर फ्लैग्स का मतलब पहली पोजीशन पर पांच अवेलेबल है, दूसरे पर चार, तीसरे पर तीन, और चौथे पर दो, और लास्टली वो बोल रहे हैं कि पांचों फ्लैग यूज करके। तो पांचों फ्लैग यूज करके मतलब पहली पोजीशन पर मेरे पास पांच अवेलेबल है, दूसरे पर चार, तीसरे पर तीन, चौथे पर दो, और लास्ट पर एक। ये हो गया। और सब में आ रहा है, तो और का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको इनको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी प्लस फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ार सिक्सटी प्लस फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी और ट्वेंटी सिक्स ज़ार 120 प्लस 5 फोर दा 20, 3 टू दा 6, तो ये भी आपका 120। तो 20 प्लस 60 80, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, तो 240 प्लस 80 ये हो गया 320। तो 320 हमारे पास वेज हैं जिसमें हम एटलीस्ट कम से कम दो फ्लैग यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलना पड़ा क्या है, ठीक है, बस यही है। मेरी ना कि ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में इन्होंने चेंज कर दिया। इन हाउ मेनी वेज वेयर में फोर डिफरेंट बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइव बॉक्सेस, ये है आपके में दे रखा है शायद। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने इन हाउ मेनी वेज में फाइव डिफरेंट बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉक्सेस, है ना। फाइव डिफरेंट बॉल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थ्री बॉक्सेस। ठीक है, थ्री बॉक्सेस दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर नाइन, नाइन का नहीं होगा आपके में। ठीक है,
फाइव बॉल्स एंड थ्री बॉक्सेस, तो पांच बॉल्स हैं, पांच बॉल्स को तीन अलग अलग बॉक्सेस में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉक्सेस। इन्होंने इसका आंसर दे रखा है थ्री की पावर फाइव, ठीक है, थ्री की पावर फाइव उन्होंने कैसे दिया, अमंग थ्री बॉक्सेस। और सीधा बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइव डिफरेंट बॉल्स अमंग थ्री बॉक्सेस, थ्री इनटू थ्री इनटू थ्री इनटू थ्री, कैसे समझे इसको, अपने पांच बॉल तीन बॉक्सेस में कितने वेज में रखी जा सकती है, तीन बॉक्सेस इसको मार्क करो, इसको जरा समझ कर बताऊंगा मैं, मेरे को नहीं आ रहा समझ में कि थ्री की पावर फाइव किस तरह से करा। अगला बताना, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला वाला बताना है, पर क्या है तुम्हारी बुक में, मेरी आवाज आ रही है दोनों को, अगला क्वेश्चन बताना तुम्हारी बुक में क्या है। Two, one, two, three, four, five, or six. तो सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, और वो बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग फोर चॉइसेस, हर क्वेश्चन की फोर चॉइस है, तो नंबर ऑफ वेज, ये तो क्लियर है बिल्कुल, नंबर ऑफ वेज जो पहला क्वेश्चन है उसमें मेरे पास कितनी चॉइस अवेलेबल है, चार चॉइस अवेलेबल है, तो कोई भी चार मैं ले सकता हूँ, और मुझे छः के छः क्वेश्चन जो हैं वो मेरे को आंसर करने हैं, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी चार चॉइस अवेलेबल है, फोर, तीसरे में भी चार, तो चार चॉइस इसमें हो गई, चौथे में भी चार, पाँचवें में भी चार, और छठे में भी चार, तो कोई सी भी चार हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार, इसमें कोई भी चार, और करने सारे के सारे आंसर हैं, तो इसका मतलब सब जो है मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, तो फोर की पावर सिक्स हो गया, इन्होंने फोर की पावर सिक्स ही लिखा है, और ऐसा ही कुछ जो है, ऐसा ही कुछ जो है इससे पहले वाला भी है, हाउ मेनी वेज कैन फाइव डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉक्सेस, अमंग थ्री बॉक्सेस, फाइव डिफरेंट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉक्सेस, अच्छा पांच बॉल्स हैं और पांचों बॉल्स के पास में ऑप्शन अवेलेबल है,
एक बॉक्स में डाले हैं, दो में डाले हैं या तीन में डाले हैं? तो पहली बॉल के पास भी तीन ऑप्शन। ओके ओके ओके, चलिए जी इस वाले क्वेश्चन से एग्जांपल नंबर 9 समझ में आता है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 आप समझ में आता है। एग्जाम्पल नंबर 9 में मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल। तो हर एक बॉल, पांच अलग अलग बॉल्स हैं, हर एक बॉल के पास, हर एक बॉल को हमको, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि तीन तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो हम हर एक बॉल को किसी भी तीन में डाल सकते हैं। फर्स्ट बॉल है, फाइव डिफरेंट बॉल्स, तो पांचों बॉल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर छः डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो उन्होंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव डिफरेंट बॉल्स, तो पाँच अलग अलग बॉल्स हैं और हर बॉल के पास में ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट बॉल है, उसके पास ऑप्शन है कि तीन डब्बे मौजूद हैं, तो उसको पहले डब्बे में भी डाल सकते हैं, दूसरे में भी डाल सकते हैं, तीसरे में भी डाल सकते हैं, करना सबको पैक है। तो इसके पास भी तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं, इसके पास भी तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं, थर्ड बॉल के पास भी पैक होने के लिए तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं, फोर्थ बॉल के पास भी तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं और फिफ्थ बॉल के पास भी तीन बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ये हो गया 3 की पावर 5। ठीक है, समझ गए होंगे? तो अटक रहा था इसको, मेरे को नहीं आ रहा था समझ में। 9 × 9 × 3 ये हो गया 81 × 3 ये हो गया 243। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इसमें बाकी के क्वेश्चन जो हैं, चाहे तो एग्जांपल्स या फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना, जितने हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं होते नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए बस। चलिए जी, ओके।